जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और आज हम बात करने वाले दोस्तों कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंदर दोस्तों विज्ञप्ति। देखिएगा, ये कक्षा 12 ही नहीं दोस्तों, कक्षा 10वीं से जहां भी विज्ञप्ति, देखिएगा ये जो टॉपिक है ना विज्ञप्ति, यानी विज्ञप्ति कैसे लिखे सभी के लिए। दोस्तों आज मैं आपको दोस्तों सटीक जानकारी देने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने जो है निविदा के बारे में अच्छे से पढ़ा था, और निविदा की फिक्स लाइनें हमने देखी थी कि कैसे भी निविदा है और है जैसे कि जैसे आपको लिखना था, ठीक है। आप जो है अगर निविदा भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, निविदा भी जरूर आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी के अंदर निविदा, विज्ञप्ति, ठीक है। तो विज्ञप्ति के बारे में, यह कक्षा 12 नहीं सभी के लिए है दोस्तों विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति लेखन, आखिर विज्ञप्ति कैसे लिखे, इतने सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, तो आज हम विज्ञप्ति पे बात कर लेते हैं। और दोस्तों आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो देखो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम जो है इसका प्रमुख प्रारूप देखते हैं, ठीक है, यानी किस प्रकार से आपको जो है विज्ञप्ति का प्रारूप लिखा जाता है वो देखिएगा। अगर एग्जाम में आपकी विज्ञप्ति आ जाए, आपको विज्ञप्ति लिखने के लिए बोले, तो आपको करना क्या है दोस्तों, किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको अगर विज्ञप्ति लिखने के लिए बोले तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है कॉपी के ऊपर विज्ञप्ति लेखन, ठीक है। कॉपी का इस प्रकार से पेज होता है आपके सामने, देखिएगा कॉपी का इस तरीके से पेज होता है, इस तरीके से, ठीक है, दो भागों में होता है। तो आपको जो है विज्ञप्ति को लिखना है तो नए पेज से स्टार्ट करना है, यानी नए पेज से ऊपर से स्टार्ट करना है। तो ऊपर जो ऊपर वाली लाइन है उस पर आप लिखेंगे विज्ञप्ति लेखन, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे विज्ञप्ति लेखन, ठीक है। अगर विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे विज्ञप्ति लेखन। और दोस्तों अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो 30 रुपए में आपको कक्षा 12 30 रुपए में आपको जो है सीरीज मिल रही है हिंदी की। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, मैसेज आप कर सकते हैं, 30 रुपए में आपको सीरीज मिल जाएगी। उसके अंदर चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और पूरी व्याकरण उसमें मिलेगी। तो हां दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ऊपर क्या लिखना है विज्ञप्ति लेखन लिखना है। फिर आपको करना क्या है, नीचे आना है, नीचे यहां पर विज्ञप्ति जारी करने वाला विभाग, देखिएगा दोस्तों यहां पर क्या है विज्ञप्ति जारी करने वाला जो विभाग है या फिर कोई कार्यालय का नाम आपके सामने दे रखा होगा, कार्यालय का नाम, ठीक है, कार्यालय के नाम या फिर कार्यालय का पता, संस्था जो भी है वो यहां पर आपको लिखना होगा, ठीक है। वैसे घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या विभाग कौन सा कार्यालय का कैसे पता चलेगा, ये सब आपके प्रश्न में पूछा जाएगा दोस्तों। प्रश्न में आपको जिसको विज्ञप्ति लिखने का कार्यालय प्रश्न में दे रखा होगा, तो यहां पर कार्यालय का नाम या कोई विभाग उसकी संस्था का नाम यहां पर लिखना है ऊपर, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों विभाग या कार्यालय का नाम या संस्था का नाम आप ऊपर लिखना है। अब जैसे आपने यहां पर लिख दिया, प्रश्न से उठाना है और यहां पर लिखना है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर ये लिख दिया आपने, फिर नीचे लिखना है क्रमांक। तो दोस्तों आप कह रहे हैं कि ये तो हमने निविदा के अंदर भी पढ़ा था, बिल्कुल दोस्तों है जैसे कि जैसे इसी प्रकार से आपको करना है। क्रमांक है जैसे आपने वैसे निविदा के अंदर पढ़ा ही, दिनांक इसके सामने लिखी जाएगी, क्रमांक के सामने दिनांक लिखी जाएगी। तो इधर आपने जो है क्रमांक लिख दिया, अब क्रमांक में लिखना क्या है वो देखिएगा। तो क्रमांक में दोस्तों यहां पर दे जो भी आपके जचे जाए, जैसे आपको जच गई दोस्तों, आपको लग रहा है कि भाई मुझे तारीख जो है दिनांक जो है वो मैं ऐसे कोई क्रमांक दे देता हूं, जैसे मेरे सामने आ गया 35 40 या फिर 20 या 22, जो भी आपके सामने जो है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 22, मैंने 22 लिख दिया। अब आपको इस तरीके से ओब्लिक लगाया और कौन से साल में करवा, कौन से साल चल रही है, 2025 में लिख रहे हैं विज्ञप्ति या फिर आपके 2024 में लिख रहे हैं या 2022 में लिख रहे हैं या 2021 में लिख रहे हैं, हम 2024 में लिख रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे 2024, ठीक है, ऐसे लिख दिया। या फिर दोस्तों यहां पर क्रमांक के अंदर आप जो है विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग यानी जो भी कार्यालय होगा, कार्यालय को शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, वैसे कोई बात नहीं, आप ऐसे कर देना क्रमांक के अंदर जैसे कोई भी, ठीक है, ऐसे लगा देना, ये लगा दिया आपने। फिर दिनांक में आओ, अब आप किस दिन विज्ञप्ति लिख रहे हो दोस्तों, विज्ञप्ति जो है आप विज्ञप्ति लिख रहे हैं तो किस दिन, तो दोस्तों आप मान लो आज जैसे 5 हो गई तो आप लिखेंगे 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी, और यहां पर कोमा लगाना इस तरीके से, ठीक है, 2024 वो इस तरीके से, ठीक है, 5 फरवरी 2024 ये आपकी दिनांक होगी। अब क्या है, सबसे पहले जो भी कार्यालय दे रखा हो कार्यालय वो यहां पर आपको लिखना है, कार्यालय का नाम आपने लिख दिया। अब विज्ञप्ति किसके बारे में है वो, उसके बारे में 4-5 लाइनें जो भी होगी वो आपको लिखनी है, ठीक है। यहां पर है जैसे जैसे लिख रहा है, फिर यहां पर जो है विभाग का नाम आ जाएगा, जो कार्यालय का नाम है यहां पर आ जाएगा,
ठीक है, और हस्ताक्षर पदनाम कार्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी संस्था है, ठीक है, चलो जो भी सचिव है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब भी क्या है दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल यहाँ आपके सामने जो एक उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपको विज्ञप्ति लिखनी है। देखिएगा आगे, देखो आपके सामने मैंने उदाहरण लिख दिया, देखिएगा उदाहरण, जैसे कई बार एग्जाम में इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसको तो आप याद कर लेना अच्छे से, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। देखिएगा विज्ञप्ति लिखेगा तो सबसे पहले आप जो है, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करिएगा, इसको पढ़ो प्रश्न को, कि प्रश्न क्या आपके सामने, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तिथियों में आंशिक परिवर्तन हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, अब आपको थोड़े से आगे बढ़ानी है, ठीक है, यानी क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तिथियों में आंशिक परिवर्तन, अब आपको परिवर्तन करना है तिथि में, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, विज्ञप्ति तैयार करनी है, क्या करनी है, विज्ञप्ति तैयार करनी है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले देखिएगा लिखने का तरीका दोस्तों, नंबर आपको कैसे मिलेंगे मैं बता रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, इससे पहले आप अगर इस प्रकार से कोई विज्ञप्ति आई, विज्ञप्ति, तो दोस्तों आप उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहां पर ऊपर मैंने यहां पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कार्यालय का नाम लिख दिया, ऊपर आपको लिखना विज्ञप्ति लेखन, देखिए इस तरीके से आपने, मैंने यहां पर लिखना, देखिए जगह कम थी इसलिए मैंने यहां ऊपर लिख दिया, बाकी हाँ ठीक है, विज्ञप्ति, विज्ञप्ति लेखन, विज्ञप्ति लेखन आपने इस तरीके से किया, फिर लिखना स्टार्ट करो, विज्ञप्ति लेखन आपने लिखा, नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन करना है, और नीचे फिर आपको लिखना है कार्यालय का नाम, ये आ जाएगा कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम देखो प्रश्न में दे रखा है, मैंने अभी बताया था कार्यालय का नाम संस्था जो भी दे रखी होगी, जैसे माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड, ये आ गया कार्यालय संस्था होगी, ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है, ये तो अपना कार्यालय का नाम आ गया, संस्था का नाम आ गया, जो भी है आ गया। अब इधर देखो क्रमांक के अंदर, क्रमांक मैंने कहा क्रमांक के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अपने जैसे कि 26 और साल कौन से, वर्ष कौन सा है 2024। अब यहां पर जो है दोस्तों, जैसे कार्यालय का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो आप इसमें देखो क्रमांक में अंदर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है अजमेर, इस तरीके से लगा के क्रमांक में आप 26/2024, ठीक है 26/2024, ये आप जो है क्रमांक के अंदर लिख सकते हैं, वैसे कार्यालय का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी संस्था है उसका नाम भी लिख सकते हो, लेकिन कोई नहीं, आप डायरेक्ट जैसे कोई भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिख सकते हो। इसके सामने दोस्तों यहाँ पर देखो दिनांक आएगी, क्या आएगी, दिनांक आएगी दोस्तों, डेट। अब डेट जैसे आज आप विज्ञप्ति जो है वो किस दिन लिख रहे हैं, जैसे आज 5 फरवरी है तो लिखा 5 फरवरी 2024, ये आपने दिनांक लिख दी, क्रमांक लिख दिया। अब ये जो आपने काम किया दोस्तों, ये यहाँ से ये जितना काम, ये आपको देखते ही दोस्तों, ठीक है, आधा काम तो कर दिया आपने, विज्ञप्ति का आधा काम तो आपने कर दिया है, आधे नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ये आपने आधा काम कर दिया, 4 नंबर की विज्ञप्ति होगी तो 2 नंबर तो आपको इस ढांचे को देखकर ही मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर वाले ढांचे को देखकर ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिएगा नीचे, नीचे आपको सबसे पहले मैंने यहां पर बोला था कि कार्यालय का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम, तो यह जैसे ये कार्यालय का नाम यहां लिख दो, लिख दिया आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, लिख दिया आपने कार्यालय का नाम। अब देखो इसके द्वारा क्या है विज्ञप्ति दोस्तों, इसमें देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षा, हमें क्या है कि तिथि परिवर्तन करनी है, तिथियों में आंशिक परिवर्तन करना है, ठीक है, तो आयोजित कक्षा 12 की परीक्षा की तिथियों में आंशिक परिवर्तन किया गया है, ठीक है। अब ये परीक्षा दिनांक 4 मार्च 2024, अब देखो 2024 में अपनी विज्ञप्ति तैयार कर रहे हैं दोस्तों, आप ऐसे में समझ रहे हो ना कि परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं, 4 मार्च 2024, 4 मार्च 2024 के बजाय, अब आपका जो एग्जाम होगा परीक्षा जो होगी वो 4 मार्च को होगी, तो 4 मार्च 2024 के बजाय 7 मार्च 2024 से प्रारंभ होगी, ठीक है, ऐसे हमने विज्ञप्ति लिखी है कि भी हमने जैसे परीक्षा में डेट में परिवर्तन किया है, ठीक है, तो 4 मार्च 2024 के बजाय 7 मार्च 2024 से प्रारंभ होगी, शेष सूचनाएं यथावत रहेगी, बाकी जितने भी जो सूचनाएं हैं वो यथावत रहेगी, चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ तो ये आपने इस प्रकार से बिल्कुल कम शब्द 3 या 4 लाइनों के अंदर आपको लिखना है, ये आपने लिख दिए, और नीचे आपको क्या है जो भी कार्यालय का नाम है, जो भी संस्था है, ठीक है, किसको लिख रहे हैं आप, वो यहां पर आ जाएगी, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ये आ गया, और ये विज्ञप्ति तैयार, और ये आपके पूरे नंबर दोस्तों, क्यों घबराते हो दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीका है, ठीक है, और आप चाहते हैं इस प्रकार से कोई भी आ सकती है विज्ञप्ति, जरूरी नहीं कि लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये, क्या पता दोबारा ये आ जाए एग्जाम में, कई बार आ चुके हैं आगे, तो इसको आप जो है अच्छे से याद कर लेंगे। इसी प्रकार से कुल मिलाकर आपको एक प्रारूप समझना है कि किस तरीके से लिखना है
अगर ये आपको ढांचा समझ में आ गया तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, निविदा लेखन का वीडियो आप जरूर देखेगा। निविदा लेखन के बारे में यहां पर तो मैंने और फिक्स लाइनें नहीं बताई, लेकिन यहां पर आपको मैंने प्ररूप बताया। निविदा के अंदर तो बिल्कुल पूरे फिक्स लाइनें मैंने बताई है, ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और आप दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, हिंदी की जरूर सीरीज खरीद लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समय बहुत कम है। अगर पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों तो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहे और सीरीज को अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ओके। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर अगला वीडियो किस पर बढ़ाया जाए, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।